बोर्ड पर वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन, ओग्रा हुकाम, बोर्ड अफसरान और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी बताएगा क्या फैसला हुआ इस ज़मन में। जी बिल्कुल, जो अगला जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक फौजदारी मुकदमात जो है वो कार्रवाई की जो है वो मंजूरी दी गई है। ओग्रा को बदनवानी में जो मुलवस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। कैबिना कमेटी की रिपोर्ट मंजूर होने के बाद पेट्रोलियम डिवीजन में मॉनिटरिंग सेल कायम करने की भी हिदायत की गई है। एडवाइजरी कमेटी के जो डेटा पर इंसाब जो है वो खत्म किया जाएगा। नई टेस्टिंग लैब की क्याम की हिदायत की गई है और ऑल मार्केटिंग कंपनियों को अब पूरी लाइसेंस जारी करने पर भी कार्रवाई होगी। जो वो है, हैस्कोर है और जितनी भी जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं स्वाइप पीएसओ के, उनके खिलाफ जो है एफआईआर के हवाले से 90 दिन का टाइम दिया गया है और इसकी लिस्ट मुरतब की जाएगी और उनके जो स्टोरेज और होल्डिंग के हवाले से और ऑयल सप्लाई ना करने के हवाले से जितने भी जो मामलात हैं उसको नजर जो देखा जाएगा और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है एफआईआर तक रजिस्टर्ड करवाई जाएंगी। ठीक है, बहस के यानी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।